गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम सीखने वाले हैं पीरियोडिक टेबल कैसे लर्न करें, राइट? तो हमारा टॉपिक है हाउ टू लर्न पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ निमोनिक्स बताऊंगा लर्न कैसे करना होता है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ट्राई करेंगे टॉप टू बॉटम वे में लर्न करेंगे। तो अपन पीरियोडिक टेबल अगर बनाना चाहें तो चलिए सबसे पहले ग्रुप वन में आप याद रखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के जस्ट नीचे लिथियम है, लिथियम के नीचे सोडियम है, सोडियम के नीचे पोटेशियम है, फिर रुबिडियम है, देन सीजियम है, देन फ्रांसियम है Fr, राइट? तो फिर अब इसको लर्न कैसे करें, तो इसके लिए हम लोग निमोनिक्स लिख सकते हैं हलीना कब्र से फरार। आप कुछ और भी लिख सकते हैं, अगर आपने कुछ पढ़ा होगा तो चलेगा, लेकिन फिर भी अपन एक यूज़ कर रहे हैं कि हलीना कब्र से फरार। तो आप देख सकते हैं ये हलीना कब्र से फरार। तो ये हो गया ग्रुप वन। नेक्स्ट अपन ग्रुप टू की बात करें तो ग्रुप टू में होगा बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम एंड देन रेडियम है। तो इसको कैसे लर्न करेंगे, इसके लिए बेटा बेटा बी मीन्स बेटा, मांगे एमजी मांगे, कार सी ए मीन्स कार, एस आर मीन्स स्कूटर, बाप राजी। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो चलो मैं चाहूँ तो यहीं पे चलो लिख देता हूँ, अपन कैसे लिख सकते हैं कि बेटा, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, चलिए बाप अच्छा था, बाप राजी हो गया, राइट? तो ये हो गया ग्रुप वन एंड ग्रुप टू, राइट? अब अपन जो मोर इम्पॉर्टेंट है पहले उसके साइड में आते हैं, इसके बाद हम पी ब्लॉक के बारे में आते हैं, ग्रुप 13 के बारे में। तो ग्रुप 13 में चलिए मैं यहाँ पे ग्रुप 13 लिख देता हूँ, लेट्स से इधर ग्रुप 13, ग्रुप 13 में है, अगर मैं 13th ग्रुप की बात करूं तो सबसे पहला आता है बोरॉन। चलिए सेकेंड, ये ग्रुप 13 मुझे यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए, ग्रुप 13 लेट्स से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सो दैट ये डी ब्लॉक के एलिमेंट भी आ जाएंगे। तो ग्रुप 13 में अगर देखा जाए तो पहले बोरॉन आएगा, बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम होगा, चलिए एक जस्ट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बोरॉन, बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद गैलियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम। आप ये याद रखें बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम। इसको कैसे याद रखेंगे, तो आप याद रख सकते हो बाल गंगाधर इंडियन तिलक, तो ये बोरॉन एंड एल्यूमिनियम दोनों ही आ जाएंगे, बाल मीन्स बोरॉन एल्यूमिनियम, तो बाल मीन्स बोरॉन एल्यूमिनियम, गंगाधर, बाल गंगाधर तिलक थे तो बाल गंगाधर इंडियन तिलक। अब और भी कुछ निमोनिक्स देख सकते हैं, जैसे और मिलते हैं कि बैंगन आलू गाजर इन थैला, वो भी चलेगा, बैंगन आलू गाजर इन थैला, वहाँ से आप ग्रुप 13 लर्न कर सकते हैं। फिर से ग्रुप 14 की बात करें तो ग्रुप 14 में है कार्बन, फिर कार्बन के बाद सिलिकॉन है, सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम है, फिर SN है, फिर PB है। तो यहाँ पे कार्बन मीन्स
कैसे लर्न करें, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SNPV। तो कार्बन के लिए आप याद रखोगे काशी जी में शंकर पार्वती, मतलब काशी जी में महादेव की नगरी है, तो वहाँ पे शंकर और पार्वती जी के बहुत सारे मंदिर होते हैं, तो आप लर्न कर सकते हैं काशी। तो काशी मतलब काशी में कार्बन और सिलिकॉन दोनों आ गया, तो काशी जी, जी मीन जर्मेनियम, शंकर तो SN हो जाएगा, पार्वती तो यहाँ से PB हो गया, तो काशी जी में शंकर पार्वती, आप ये लर्न कर सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं ग्रुप 15 के बारे में। तो ग्रुप 15 में होगा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, फिर एंटीमनी, SP एंड देन है बिस्मथ। राइट, तो इसको लर्न करने के लिए आप निमोनिक्स बना सकते हैं, बहुत सारे वैसे हैं लेकिन एक सिंपल सा जो मुझे पसंद है, नेपाल मीन्स नाइट्रोजन मीन्स आप लिख सकते हैं नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। राइट, तो नेपाल, पाकिस्तान, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। तो इसलिए यहाँ पे नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी मीन्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, आपको ये लर्न हो गया। तो फिर ग्रुप 15 के बाद ग्रुप 16 की बात कर लेते हैं। तो ग्रुप 16 में होता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड देन पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, अब इसको कैसे लर्न करेंगे, तो आप लर्न कर सकते हैं इसको ओल्ड स्टाइल से टेपो, टेपो मतलब टेपना, टेपना मतलब होता है लिखना, तो कैसे टेपो, तो ओल्ड स्टाइल से टेपो, ओल्ड स्टाइल से टेपो। तो ओल्ड स्टाइल से टेपो मीन्स ओ मीन्स ओल्ड हो गया, ओल्ड मतलब ऑक्सीजन, ओल्ड स्टाइल, स्टाइल मीन्स एस, तो सल्फर हो जाएगा, ओल्ड स्टाइल से टेपो, टेपो तो ओल्ड मीन्स ओ, स्टाइल मीन्स एस, से तो सेलेनियम हो गया, टे मीन्स टेल्यूरियम, पो मीन्स पोलोनियम, ओल्ड स्टाइल से टेपो। नेक्स्ट अपन ग्रुप 17 के बारे में बात कर लेते हैं। तो ग्रुप 17 का यहाँ पे एलिमेंट है फ्लोरीन, क्लोरीन, देन ब्रोमीन, आयोडीन एंड देन एस्टेटीन। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन है। लर्न कैसे करेंगे, तो फिर आप इसको लर्न कर सकते हैं, फ्लोरीन है तो आप इसको लर्न करें फूलों में, कलियों में, बहारों में, फूलों में F मीन्स फूलों में, CL मीन्स कलियों में, BR मीन्स बहारों में, I तो I, फूलों में, कलियों में, बहारों में, I अमरावती या कोई आंटी कुछ ऐसे बोल सकते हो, फूलों में, कलियों में, बहारों में, I अमरावती। ठीक, तो फूलों में, कलियों में, बहारों में आया या आई अमरावती भी बोल सकते हो आप। तो चलिए F मीन्स इसको मैं बोल सकता हूँ फूलों, फूल यार आपने म्यूजिक सुना होगा ना, बहुत पहले के म्यूजिक चलते थे, गाने चलते थे 90s में, फूलों में, कलियों में, बहारों में, ऐसे वैसे चलते थे। तो इसको अपन लर्न कर सकते हैं फूलों में, चलिए मैं आप लिख देता हूँ फूलों, अब समझ जाना यार, फूलों में, कलियों में, कलियों में, बहारों में, बहारों में, आई, आई अमरावती या आंटी या कुछ भी आप अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हो। आई चल मैं डिसेंट रखता हूँ, अमरावती लिख देता हूँ। ठीक, फिर अपन ग्रुप 18 पे आते हैं। तो ग्रुप 18 में जिसे अपन नोबल गैस भी बोलते हैं, तो यहाँ पे है हीलियम है, हीलियम के बाद नियॉन है, नियॉन के बाद एर्गन है, क्रिप्टन है, ज़ेनॉन एंड देन रेडॉन है, सॉरी ज़ेनॉन के बाद रेडॉन, तो इसको मैं RN से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लास्ट में वैसे एलिमेंट डिस्कवर हो गया रेडॉन के नीचे भी, ये OZ है। ठीक है, लेकिन अपन को अभी इतना मतलब नहीं है, अपने को 11th 12th में इतना से काम चल जाएगा,
हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो ये याद कैसे रखेंगे? आप रख सकते हो, इसको लर्न करने के बहुत सारे मेथड है वैसे। तो एक तो ये मेथड ये है कि हीना अगरकर, हीना मीन्स एच ई एन ई, अगरकर मीन्स ए आर के आर अगरकर, 0 रन पे आउट, ठीक। तो उस पर ओ जी नीचे आता है, वो भी इंक्लूड रहता है। या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि हीना और करीना के एक्सरे रंगीन, मीन्स चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हीना। तो हीना में हीलियम नियॉन दोनों आ गए, और मीन्स आर्गन हो गया, करीना तो करीना मीन्स के आर, के एक्सरे, एक्सरे मतलब जेनॉन हो गया, रंगीन मतलब एक्सरे वाइट एंड ब्लैक नहीं था, इनका रंगीन एक्सरे था। तो आप ये लर्न कर सकते हैं हीना और करीना के एक्सरे रंगीन। तो ये हमने ग्रुप लेट्स से 1, जैसे मैं यहाँ पे चले गया हूँ, ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, फिर अपन ने ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18 देख लिया। अब बात कर लेते हैं ग्रुप 3 से लेके 12 तक, ये कैसे लर्न करेंगे। तो आपको सबसे पहले ये याद होना चाहिए यार कि अगर अपन ग्रुप 3 से लेके अगर 10 तक अपन लर्न कर रहे हैं तो इन्हें अपन डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, राइट। तो ये स्टार्ट होगा कैल्शियम के बाद से स्टार्ट होता है, मैं वैसे बाद में एटॉमिक नंबर भी लिखूंगा। चलिए पहले आप इसको एक लाइन लर्न कर लो, ये है स्कैंडियम से स्टार्ट होता है, तो ये है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, एंड निकल के बाद है कॉपर, कॉपर के बाद है जिंक, फिर जिंक से फिर गैलियम स्टार्ट हो जाता है। तो आप पहले ये लर्न करो, एक ही लाइन लर्न करो आप, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। पहले आप इसको इस वे में ही लर्न करो, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक ना। तो इसको कैसे लर्न करेंगे, तो चलिए इसके लिए की पॉइंट ये है कि आपको इसको लर्न करने के लिए एक तो ये मेथड है कि आप इनको एज इट इज ऐसे लर्न कर लो, मतलब क्या है मेरा बोलने का, स्कैंडियम टाइटेनियम इसको आप ऐसे मान लो, शक्ति वकर मन फेकोनी कूजन। ये बहुत ही ऑड लग रहा होगा आपको, लेकिन अब दो चार बार बोलो तो इजी हो जाएगा, शक्ति वकर मन फेकोनी कूजन, शक्ति वकर मन, शक्ति वकर मन फेकोनी कूजन। देखिए दो बार आप बोलो और दो तीन टू थ्री टाइम्स, बहुत इजी हो जाएगा, शक्ति वकर्मन फेकोनी कूजन, शक्ति वकर्मन फेकोनी कूजन, शक्ति वकर्मन फेकोनी कूजन, शक्ति वकर्मन, शक्ति वकर्मन फेकोनी कूजन, शक्ति वकर्मन फेकोनी कूजन। आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो, या फिर अगर आपको निमोनिक्स दे तो फिर आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो कि स्कैंडियम टाइटेनियम में, चलो मैं नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ कि स्कैंडियम के लिए आप ऐसे लिख सकते हो कि सचिन तिवारी, एक ये भी चलेगा, आपको जो पसंद है आप वैसे लिख सकते हो, सचिन तिवारी करोर में, सचिन तिवारी करोर में फेको नहीं, फेको नहीं कूट जाओगे, कूट मतलब समझते हो, कूटना मतलब पीटना, कूट जाओगे, ठीक। तो सचिन तिवारी करोर में फेको नहीं कूट जाओगे, मतलब कोई है सचिन तिवारी नाम का लड़का है और वो बहुत फेंकता है, करोड़ों में फेंकता है, तो उसको बोला देख भाई करोड़ में फेंक मत, इतना कूट देंगे तेरे को। तो अपने याद रख लिया, सचिन तिवारी करोड़ में फेंको नहीं कूट जाओगे। तो अब इसको देखो, सचिन तिवारी मतलब देखो यहाँ पे, सचिन मतलब स्कैंडियम, तिवारी मतलब देखो टी आई है मीन्स टाइटेनियम, वारी मीन्स यहाँ पे टाइटेनियम के बाद वैनेडियम भी है, सचिन तिवारी मीन्स स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम हो गया, करोर मीन्स सी आर हो गया, मे मीन्स एम एन हो गया, फेको मीन्स आयरन एंड कोबाल्ट, नई मीन्स नी निकल, कूट मीन्स सी यू, जाओगे मीन्स जेड एन। तो आप पहले ये लर्न कर लें यार,
आपके पास कोई भी मेथड है? और भी वैसे हैं, बहुत कुछ चलते हैं, साइंस टीचर वेरी फ्यूएल, तो वैसे भी कुछ आप और भी मेथड हैं लर्न करने के, आप वो या फिर शक्ति वकर्मन फेंको नहीं कूजन, या फिर सचिन तिवारी करोड़ में फेंको नहीं कूट जाओगे, कैसे भी करके आप ये पहले स्टार्टिंग का लाइन लर्न करें। फिर अपने को क्या करना है, देखिए अगर ये ग्रुप थ्री है, ये वाला लाइन ग्रुप थ्री होगा, ये ग्रुप फोर होगा, ग्रुप फाइव होगा, ग्रुप सिक्स, ग्रुप सेवन, ग्रुप एट, ग्रुप नाइन, ग्रुप टेन, ग्रुप इलेवन, ग्रुप ट्वेल्व, ये होने वाला है। अब अपन ग्रुप थ्री को टॉप टू बॉटम में लर्न करने वाले हैं, यही हमें काम आने वाला है। तो अपन अब ग्रुप थ्री कैसे लर्न करेंगे, देखिए स्कैंडियम के नीचे आता है यट्रियम, यट्रियम के नीचे है ल्यूटेशियम एल यू, और फिर आता है लॉरेंसियम एल आर, सॉरी ल्यूटेशियम यहाँ पे लैंथेनम आएगा, ये अपन गड़बड़ किया, सेकेंड ईयर में एल ए और यहाँ पे एक्टिनियम आएगा। तो इसको कैसे लर्न करें, स्कैंडियम यूट्रियम लैंथेनम एक्टिनियम, तो इसको लर्न कैसे करें, तो आप ऐसे लर्न कर सकते हो इसको कि सेकेंड ईयर में लाएंगे एसी, मतलब किस ईयर में एसी लाएंगे, एसी समझ लो आप एयर कंडीशनर, तो कौन से ईयर में, सेकेंड ईयर में, तो आप इसको टॉप टू बॉटम लर्न करने के लिए, तो मैं आप लिख देता हूँ सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर में लाएंगे, सेकेंड ईयर में लाएंगे एसी, आप ये याद रख सकते हो इसको, राइट। फिर अगर अपन आगे बात करें नेक्स्ट कैसे लर्न करोगे, तो टाइटेनियम है, अब टाइटेनियम के बाद नीचे आता है जिरकोनियम, जिरकोनियम के नीचे आता है हैफनियम, और हैफनियम के नीचे आएगा, आप अगर लर्न करना चाहो तो एक लर्न कर सकते हो रदर फोर्डियम होता है, ठीक। तो ये लर्न कैसे करेंगे टॉप टू बॉटम, फिर से बोलो टॉप टू बॉटम ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये लर्न करने के लिए आप ऐसे सोच सकते हो टी ज़रा हाफ रख, टी मतलब चाय होता है, चाय को ज़रा हाफ रख दो, मतलब हाफ कर दो, ऐसे था मन था, तो इसको लर्न कर सकते हैं टी, टी आई मीन्स टी समझ लो चाय, टी ज़रा हाफ रख, तो टी ज़रा हाफ रख मीन्स टाइटेनियम जिरकोनियम हैफनियम रदरफोर्डियम। फिर नेक्स्ट आते हैं ग्रुप फाइव कैसे लर्न करेंगे, तो ग्रुप फाइव के लिए वैनेडियम से स्टार्ट होता है, वैनेडियम के नीचे है नायोबियम, और नायोबियम के नीचे है टैंटेलम, वैसे इसके नीचे आता है डबनियम, लेकिन अपने को अब नीचे का लर्न नहीं करना है ग्रुप, ये सेवेंथ पीरियड अपने को काम का नहीं है, ठीक ना, ये सेवन्थ पीरियड अपने को इलेवेंथ ट्वेल्थ के सिलेबस में, जेई के सिलेबस में भी काम करनी है, तो अपन सिर्फ इसके ऊपर का ही लर्न करेंगे, मीन्स वैनेडियम नायोबियम एंड टैंटेलम। तो ये लर्न कैसे करेंगे, वैनेडियम नायोबियम टैंटेलम, तो आप इसको लर्न कर सकते हैं वो नवाब था, वो कौन था, तो वो नवाब था, तो वो नवाब था मीन्स वैनेडियम, नवाब मीन्स नायोबियम, था मीन्स टैंटेलम, राइट। फिर ग्रुप सिक्स लर्न करने के लिए आप ग्रुप सिक्स लर्न कर सकते हैं, क्रोमियम है, तो क्रोमियम को के नीचे आता है, क्रोमियम के नीचे आता है मॉलिब्डेनम एम ओ, और इसके नीचे आता है टंगस्टन, मतलब वोल्फ्रम या डब्ल्यू से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो क्रोमियम के नीचे मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम के नीचे टंगस्टन है, तो ये लर्न करने के लिए आप ऐसे सोच सकते हो कि करोड़, करोड़ मोल, कितने मोल, तो करोड़ मोल वाला, कितने मोल वाला, करोड़ मोल वाला। तो अपने अभी तक क्या लर्न किया, सेकेंड ईयर में लाएंगे एसी, टी ज़रा हाफ रख, वो नवाब था, करोड़ मोल वाला। ग्रुप सेवन लर्न करने के लिए आप ऐसे लर्न कर सकते हैं मैंगनीज, मैंगनीज के नीचे आता है टेक्नीशियम टी सी, और टी सी के नीचे आता है रेनियम, रेनियम आता है मीन्स आर ई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये कैसे लर्न करेंगे, तो एम एन को आप बोल सकते हो मन, मन तक रे, मन तक रे,
कहाँ तक रे? मन तक रे। तो मन तक रे मीन्स एम एन, तक मीन्स टी सी, रे मीन्स आर ए। तो ये हो जाएगा मैंगनीज, टेक्नीशियम, रेनियम। ठीक, फिर ग्रुप एट लर्न करने के लिए, अब ग्रुप एट कैसे लर्न करोगे? तो फिर आयरन है, आयरन के नीचे वैसे आता है यूथेनियम मीन्स आर यू, फिर रुथेनियम के नीचे आता है ऑस्मियम। तो ये लर्न कैसे करेंगे? तो इसके लिए आप निमोनिक सुना सकते हैं कि फिर रूठा ओसामा। तो फिर रूठा ओसामा, आपको पता है ओसामा कौन था? तो वो फिर से रूठ गए भाई साहब, तो अपने बना लिया फिर रूठा ओसामा। नेक्स्ट ग्रुप नाइन की बात करें तो ग्रुप नाइन में कोबाल्ट है, कोबाल्ट के नीचे आता है आरएच। आरएच मीन्स ये होता है रोडियम, रोडियम के नीचे आता है इरिडियम, आई आर। तो ये कैसे लर्न करेंगे? तो इसके लिए आप ऐसे निमोनिक सुना सकते हो, कौन रहेगा इधर, कौन रहेगा इधर, कौन रहेगा इधर। तो कौन मीन्स सीओ, रहेगा मीन्स आरएच, इधर मीन्स आई आर। नेक्स्ट बात करते हैं निकेल, ग्रुप टेन है, ग्रुप टेन कैसे लर्न करेंगे? तो निकेल, निकेल के नीचे है पैलेडियम, पैलेडियम के नीचे आता है प्लैटिनम। तो ये कैसे लर्न करोगे? निकेल, पैलेडियम, प्लैटिनम। तो इसके लिए आप ऐसे निमोनिक्स बना सकते हो, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। तो नहीं पढ़ोगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पढ़ोगे तो पिटोगे। आप खुद से भी लिख लेना, जैसे वहाँ पे नहीं पढ़ोगे तो था, यहाँ पे पिटोगे, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो ऑफकोर्स पिटाई होगी, तो नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। तो निकेल, पैलेडियम, प्लैटिनम हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब कॉपर, ये कैसे लर्न करेंगे? तो यार इसके लिए आप याद रख लो, कॉपर के नीचे वैसे आता है एजी, एजी के नीचे आता है एयू। ये तो यार सबको याद होगा, मतलब कॉपर, मैं तो इसको ऐसे लर्न किया हूँ कि कॉपर मतलब तांबा बोलते हैं, तांबा को कॉपर बोलते हैं। एजी सिल्वर मीन्स चांदी, एयू मीन्स सोना, तो तांबा, चांदी, सोना ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा ये। तो ये आप ऐसे लर्न कर सकते हो, तांबा चांदी, तांबा चांदी सोना। तो ये ऐसे ही कॉइनेज मेटल बोलते हैं इनको, इनसे कॉइन्स बनाते हैं। तो ये आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा, कॉपर सिल्वर गोल्ड, कॉपर सिल्वर गोल्ड, तांबा चांदी सोना। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे जिंक, जिंक के बाद आता है यहाँ पे कैडमियम, कैडमियम के नीचे है एचजी, जिंक कैडमियम एचजी, जिंक कैडमियम एचजी को ग्रुप 12 कैसे लर्न करेंगे? तो फिर बहुत सारे इसके भी मेथड हैं, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, जीरो से हीरो मीन्स जीरो, जीरो मीन्स जेड एन, से मीन्स कैडमियम सी डी आर, हीरो, हीरो मीन्स एचजी। तो जीरो से हीरो, जिंक कैडमियम एचजी। तो आप यहाँ से ये पार्ट आप लर्न कर सकते हो। देखो यार अगर अपन देखा जाए तो अपने पीरियोडिक टेबल में, देखो यहाँ पे रमेश को थोड़ा सा जूम इन, हाँ यहाँ तक देखिए, तो अपन ने क्या किया है, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, कौन सा पार्ट, मैं नीचे वाला पार्ट इरेज कर देता हूँ, आई होप आपने लिख लिया होगा। तो यहाँ ये वाला पार्ट मैं इरेज कर देता हूँ। इस ब्लॉक को, कौन से ब्लॉक की बात कर रहा हूँ मैं, इस ब्लॉक को, इसको, इनको अपन, इन दोनों ग्रुप वन एंड ग्रुप टू को एस ब्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक। एंड ये वाले ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक, ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक इनको बोलते हैं पी ब्लॉक। एंड ये जो मिडल में आपको दिख रहे हैं ग्रुप 3 से लेके 12 तक, इनको बोलते हैं डी ब्लॉक। क्लियर है? तो आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा, ये एस ब्लॉक है, राइट वाले, एक्सट्रीम राइट वाले पी ब्लॉक है, और मिडल वाले डी ब्लॉक एलिमेंट दिख रहे होंगे आपको। आई होप इतना क्लियर है। एक्चुअली फिर अगर ये आपको लर्न हो गया तो अब बात करते हैं अपन
एफ ब्लॉक एलिमेंट कैसे लर्न करें। राइट, चलो मैं पहले एफ ब्लॉक एलिमेंट के नेम लिख देता हूँ, फिर मैं आपको निमोनिक्स बताऊंगा। चलिए एफ ब्लॉक एलिमेंट, सिंस एफ ब्लॉक एलिमेंट को अपन यहाँ पे नीचे लिखते हैं, ठीक है ना, पीरियोडिक टेबल के नीचे लिखते हैं, तो यहाँ पे चलो मैं पहले लिख देता हूँ। ये है सीरियम से स्टार्ट हो रहा है, तो चलिए यहाँ पे सेकंड जस्ट सीरियम, सीरियम के बाद सी के बाद पी आर है, फिर ये एन डी है, मीन्स नियोडीमियम है, फिर पी एम, वैसे इसको प्रोमीथियम बोलते हैं, चलेगा, लेकिन पी एम के बाद एस एम है, एस एम के बाद ई यू, यूरोपियम है, फिर गैडोलिनियम जी डी, फिर टी बी मीन्स टर्बियम है, फिर टी बी के बाद डी वाई, डी वाई मीन्स डिस्प्रोसियम, फिर एच ओ ऑलमियम है, फिर ई आर, ई आर मीन्स अरबियम, फिर थूलियम है, थूलियम मीन्स टी एम, लास्ट में यट्रियम है वाई बी। तो ये हो गया एफ ब्लॉक एलिमेंट का पहला, इसको अपन लैंथेनाइट भी बोलते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, चलिए इनको अपन लैंथेनाइट्स भी बोलते हैं, लैंथेनाइट्स। इसके जस्ट नीचे एक और सीरीज आता है, इसको अपन एक्टिनाइट्स बोलते हैं। तो एक्टिनाइट्स के लिए ये हो जाएगा, चलो मैं एक्टिनाइट्स भी लिख देता हूँ, इसका भी लिस्ट दे देता हूँ, थोरियम यहाँ से स्टार्ट होता है ये, फिर पी ए, नेक्स्ट यूरेनियम यू है, फिर नेपच्यूनियम है एन पी, प्लूटोनियम पी यू, फिर ए एम, ए एम के बाद है सी एम, फिर बी के, सी एफ कैलिफोर्नियम, फिर ई एस, और ई एस के बाद यहाँ पे एफ एम है, एफ एम के बाद एम डी, और एम डी के बाद एन ओ है। तो ये हो गया एक्टिनाइट्स का सीरीज। अब इसको लर्न कैसे करेंगे, चलिए मैं कोई इसके लर्न करने के लिए निमोनिक्स बता दूँ। तो अब ये सबसे पहले मैं लैंथेनाइट्स कैसे लर्न करना है ये बता दूँ आपको। तो इसके लिए निमोनिक्स है यार कि सीरियम है यहाँ पे, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो सिर पर, सिर पर, मतलब समझ लो एस आई आर मैंने इसलिए लिखा कि सर मैं समझ सिर पर, सर मतलब समझ लो हेड, तो सिर पर नदियाँ, सिर पर नदियाँ प्रेम समाई, सिर पर नदियाँ प्रेम समाई, यूं ही गदगद, गदगद सिर पर नदियाँ प्रेम समाई, यूं ही गदगद तब दिल हुआ, दिल हुआ। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करें, देखिए सिर मीन्स सी यू या पर मीन्स पी आर, नदियाँ मीन्स एन डी, प्रेम मीन्स पी एम, समाई मीन्स एस एम, यू ही मीन्स ई यू, गदगद मीन्स जी डी, तब मीन्स टी बी, दिल मीन्स डी वाई हो गया, हुआ मीन्स एच ओ, सिर पर नदियाँ प्रेम समाई, यू ही गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यबलो, अरे अरे मतलब आप समझ रहे हो ई आर बोल सकते हो, तुम टी यू एम, यबलू होते ना यबलू, बबलू तो बबलू का ही भाई यबलू, तो अरे तुम यबलू, अरे मीन्स ई आर, तुम मीन्स टी एम हो गया, यबलू मीन्स वाई पी। तो चलिए एक बार फिर से आप रिपीट कर लें, सिर पर नदियाँ प्रेम समाई,
यू ही गदगद तब दिल हुआ अरे तुम यबलू, राइट। तो ये तो हो गया लैंथेनाइट्स। एक्टिनाइट्स कैसे लिखेंगे? तो एक्टिनाइट्स के लिए आप देखो, ये एक्टिनाइट्स एक्टिनियम के बाद से स्टार्ट होता है। तो आप इसको ऐसे लिख बोल सकते हो, एक्टिनाइट्स सिंस एक्टिनियम के बाद से स्टार्ट होता है, तो मैं बोल सकता हूँ एक था पागल, एक था पागल, उसने नागपुर मीन्स एनपी हो जाएगा, पुणे अमरावती। एक था पागल, एक तो चलो एक्टिनियम के लिए था, मतलब यहाँ से एक्टिनाइट से स्टार्ट हो रहा है। था मीन्स थोरियम, टीएच हो जाएगा, पागल मीन्स पीए, उसने मीन्स यूरेनियम यू हो गया, नागपुर मीन्स एनपी, पुणे मीन्स पीयू, अमरावती मीन्स एम। एक था पागल, उसने नागपुर पुणे अमरावती सीमेंट बेच के, सीमेंट सी एम बेच के, अब बेच के वो सीमेंट बेचता था, तो सीमेंट बेच के, अब सीमेंट बेच के उसको पैसे कमाना चाहिए था लेकिन वो पागल था, तो उसने सीमेंट बेच के कैफे में ऐश फरमाया। कैफे में ऐश फरमाया, कैफे मीन्स सी एफ, ऐश मीन्स ई एस, फरमाया मीन्स एफ एम। तो कैफे में ऐश फरमाया, मडोना, मडोना मीन्स देखो, मडोना मीन्स एम डी एन ओ, मडोना फिर लारा, ठीक। अच्छा यहाँ पे एक और एलिमेंट है, मडोना लारा, लारा मीन्स यहाँ पे एल ए और एम, तो ये हो गया मडोना लारा। अच्छा ऊपर भी यब्लू में एक और एलिमेंट था, सॉरी एल यू टी एम वाई बी एल यू, तो ल्यूटेशियम था, तो यब्लू में दोनों ही आ जाएंगे, वाई बी एल यू, राइट। तो ये देखिए पूरा पीरियोडिक टेबल हो गया। ये लास्ट वाले जो मैंने बॉटम में लिखा है, अब देखिए यहाँ से, तो इनको अपन बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट, राइट। तो इनको अपन क्या बोलते हैं, इनको अपन एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, मीन्स ये नीचे वाले जितने भी एलिमेंट हैं इनको अपन एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। तो ये हो गया आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो चलिए आप जस्ट एक बार फिर से रिवाइज कर लें, आप खुद से ही ऐसे बना सकते हो यार। आप एस ब्लॉक से स्टार्ट करें, यहाँ से मतलब आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, हलीना कब्र से फरार, तो हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम। ग्रुप टू के लिए बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेरियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम रेडियम। इसके बाद आप पी ब्लॉक पे आ जाएं, पी ब्लॉक में आप ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18 के लिए, 13 के लिए क्या बताया, ग्रुप 13 के लिए बाल गंगाधर इंडियन तिलक, ग्रुप 14 के लिए काशी जी में शंकर पार्वती, ग्रुप 15 के लिए नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ग्रुप 16 के लिए ओल्ड स्टाइल से टेपो, ग्रुप 17 के लिए फूलों में कलियों में बहारों में आई अमरावती, ग्रुप 18 के लिए हीना और करीना के एक्सरे रंगीन। फिर अपन डी ब्लॉक लर्न किया अपन ने, डी ब्लॉक कैसे लर्न करोगे, तो पहले आपको एक लाइन लर्न कर लो, आप सब जरूरत नहीं है आपको ऐसे नीचे वाले लर्न करना, जस्ट ये लाइन आप लर्न कर लो, मतलब जस्ट फर्स्ट लाइन, आपको ये जो फर्स्ट लाइन दिख रहा है ये आपको लर्न करना है। तो आप ऐसे शक्ति वकर्मन फेकोनी कूजन, या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो सचिन तिवारी करोड़ में फेकोनी कूट जाओगे, अगर आपको ये लर्न हो गया तो ग्रुप 3 कैसे लर्न करोगे, सेकेंड ईयर में लाएंगे ऐसी टॉप टू बॉटम लर्न करना, यही इंपॉर्टेंट है। ग्रुप 4 कैसे लर्न करेंगे, टी ज़रा हाफ रख। ग्रुप 5 वो नवाब था। ग्रुप 6 करोड़ मूल वाला। ग्रुप 7 मंतक रे। ग्रुप 8 में फिर उठा ओसामा। ग्रुप 9 कौन रहेगा इधर। ग्रुप 10 नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। ग्रुप 11 तांबा चांदी सोना। एंड ग्रुप 12 जीरो से हीरो। फिर एफ ब्लॉक एलिमेंट में लैंथेनाइट्स कैसे स्टार्ट करेंगे, तो सिर पर नदियां प्रेम समाई, यू ही गदगद तब दिल हुआ अरे तुम यबलू, तो तुम यबलू मीन्स टी एम वाई बी एल यू, ल्यूटेशियम भी लास्ट में होता है। फिर
एक्टिनाइट्स में मैंने क्या बताया, एक था पागल, उसने नागपुर पुणे अमरावती सीमेंट बेच के कैफे में ऐश फरमाया मडोना लारा, मडोना लारा के साथ उसने ऐश फरमाया। तो ये हो गया कंप्लीट पीरियोडिक टेबल, आप ऐसे लर्न कर सकते हो, क्लियर है। फिर नेक्स्ट अपन देखेंगे कि इसमें एटॉमिक नंबर अपने को देना होगा, राइट।